जा रहे हैं, हम लोग पीछे कहाँ पड़े हुए हैं। मांगे तो बहुत कुछ होती हैं, पर ये हर एक मांग के लिए यहाँ पे आंदोलन करना पड़ता है। हम लोग को लाठी चार्ज करके भगाया जा रहा है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं, बीटेक के ये छात्र हैं जिनको की हम लोग 45 दिन से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी सरकार सुनने को तैयार नहीं है। हम लोग 7वां चरण से पहले एक शिक्षा पात्रता परीक्षा की मांग कर रहे हैं, लेकिन यहाँ तो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के नाम पर तो यह डंडा चार्ज किया जा रहा है। यही सरकार कहती है, यही यहाँ के प्रशासन ने डंडा चार्ज किया है। आप लोग अधिकारियों से बात नहीं की आप लोगों ने इसके बारे में? सबसे बात कर चुके हैं, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। किसी के कान तक जू तक नहीं रेंग रही है। क्या कहा जा रहा है पदाधिकारियों द्वारा? देखिए, तमाम जो अभ्यर्थी हैं उनको बिहार पुलिस हिरासत में ले रही है, खींच खींच कर। देखिए तस्वीरों में आप साफ तौर पे देख सकते हैं, बीटेक के अभ्यर्थी हैं ये लोग। कहा जा रहा है कि 5 साल से लगातार परेशान हैं, इनको भर्तियां नहीं ली जा रही है। ऐसे में ये लोग परेशान होकर के हार करके जेडीयू कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करने के लिए जा रहे हैं। हम लोग पीछे कहाँ पड़े हुए हैं? देखिए तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं, जेडीयू कार्यालय के बाहर की है, जहाँ पर बीटेक के अभ्यर्थियों को बिहार पुलिस खदेड़ रही है और भगा रही है, उनको यहाँ से प्रदर्शन करने नहीं दे रही है। साफ तौर पर तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर भगदड़ सा माहौल हो गया है। क्योंकि देखिए कल दो दिवसीय कार्यक्रम है, जेपी नड्डा और गृहमंत्री अमित शाह आने वाले हैं, इसी को लेकर के पूरा जो प्रोटोकॉल है वो तैयार कर लिया गया है। यहाँ पर कोई आंदोलन करने के लिए जगह नहीं है, पुलिस पदाधिकारियों द्वारा कहा गया है। ऐसे में देखिए शांति व्यवस्था भंग करने को लेकर के तमाम जो लोग हैं उनको हिरासत में लिया जा रहा है। बीटेक के अभ्यर्थी हैं ये लोग, इनकी मांग है कि इनको भर्ती प्रक्रिया में शामिल नहीं होने दिया जा रहा है। सर हम ये कहना चाहते, हम लोग का सूचना शिक्षा मंत्री तक जाएगा ना सर? आप अपना लेटर में दीजिए। तो लेटर हम लोग को लीजिए ना सर, कहाँ लिए लेटर, कम से कम हम लोग का लेटर ले लीजिए ना सर। पुलिस पदाधिकारियों द्वारा यहाँ से खदेड़ करके भगाया जा रहा है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, यहाँ पर क्या कुछ हो रहा है। सभी छात्रों को इधर उधर कर दिया गया है, खदेड़ करके भगा दिया गया है जेडीयू कार्यालय के बाहर से। देखिए जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं, ये बीटेक के छात्र हैं। देखिए बिहार पुलिस इनको देखिए कहा जा रहा है कि मारा गया है, इनको चोट लगा है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं, बीटेक के ये छात्र हैं जिनको की बिहार पुलिस ने लाठी डंडों से पीटा है। और आपको बता दें कि बीटेक के छात्र लगातार 5 सालों से परेशान हैं। बताया जा रहा है कि उनकी मांग को पूरी नहीं की जा रही है, जो भर्तियां निकाली गई है उसमें उनको नहीं भरने दिया जा रहा है। ऐसे में देखिए तमाम जो छात्र हैं ऐसे जेडीयू के कार्यालय जो पटना का प्रदेश कार्यालय वहाँ बाहर आकर के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, हंगामा कर रहे थे। ऐसे में देखिए बिहार के पुलिस के जवान तमाम जो बीटेक के अभ्यर्थी हैं छात्र हैं उनको भगाने का काम कर रही है। तब आपसे हम बात करें, क्या नाम हो आपका? आनंद शर्मा। देखिए 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 किस तरीके से भगाया जा रहा है तमाम। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, बीटेक अभ्यर्थियों को बिहार पुलिस पकड़ पकड़ करके ले जा रही है, लाठी चार्ज किया जा रहा है बीटेक अभ्यर्थियों पर। सरकार ला रही है और एक बीटेक का हम लोग डिमांड कर रहे हैं, 5 साल से जो विभाग सोई हुई है, एक बीटेक इसको लेने में क्या प्रॉब्लम है? दबाव में काम कर रही है सरकार, दबाव में। बस मैं यही कहना चाहूँ, 5 साल से। 5 साल में क्या क्या हुआ सरकार से, मांगे क्या क्या हुआ अभी तक में? मांगे तो बहुत कुछ होती हैं, पर ये हर एक मांग के लिए यहाँ पे आंदोलन करना पड़ता है। बीटेक अधिकारियों से बात नहीं की आपने? हम लोग किए, बस लॉलीपॉप थमा दिया जाता है, आश्वासन दिया जाता है, उससे हम लोग लिखित लेके जाएंगे। हाँ, बस अपना हक लेने के लिए, जो वोट दिए थे इसको
उसी का हक मांगने आ जाए हैं। नीतीश कुमार को वोट की तो हक मांगने आए हैं जी। हम लोग को लाठी चार्ज करके भगाया जा रहा है। क्या बोला गया? बस यहाँ नहीं जाइए, आप दूसरा दिन आइएगा।